दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब अपहृत युवक की हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पिछले 6 मार्च को नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र अंतर्गत अस्थावा गांव से कैलू यादव के पुत्र मधु यादव को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण किया गया था, जिसका आज सुबह 5 दिनों बाद अस्थावा थाना क्षेत्र अंतर्गत पचेतन गांव के कुएं से शव बरामद हुआ। बिहार शरीफ सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी के नेतृत्व में पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अनुसंधान के क्रम में कार्रवाई की है और इस घटना में संलिप्त 3 नामजद अभियुक्त समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अस्थावा गांव निवासी पिता पुत्र लालू यादव एवं संजय यादव उर्फ डोभा तथा गुड्डू तमोली एवं शिव कुमार उर्फ डमहा के रूप में की गई है। बिहार शरीफ सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मृतक का पिता कैलू यादव एवं अभियुक्त नेपाली यादव दोनों सगे भाई हैं, जिनके बीच जमीन की राशि के बंटवारा को लेकर विवाद चल रहा था और इसी को लेकर अभियुक्त नेपाली यादव ने अपने इकलौते भतीजे को रास्ते से हटाने का प्रयास किया और 48,000 रुपये की सुपारी देकर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर मृतक मधु यादव को अपहृत कर मौत के घाट उतार दिया। एक कैलू यादव है, उनके द्वारा दिनांक 7 मार्च को अस्थावा थाना में अपने पुत्र के गायब होने के संबंध में कुल 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज किया गया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें जिला सूचना इकाई के भी पदाधिकारी शामिल थे। स्थानीय थाना और जिला सूचना इकाई के पदाधिकारियों के साथ हम लोग छापेमारी कर रहे थे, वादी के पुत्र की बरामदगी हेतु कार्रवाई कर रहे थे। इसी क्रम में 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको कल न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पुनः अग्रतर अनुसंधान में पुलिस टीम के द्वारा 2 नामजद अभियुक्त, एक नामजद जो गुड्डू तमोलिया है और एक अप्राथमिकी अभियुक्त शिव कुमार उर्फ डमहा है, उनकी आज अरेस्टिंग हुई सवेरा ले सुबह। उनके निशानदेही पे जो वादी के पुत्र हैं उनके शव को कुएं से बरामद किया गया और इस जो घटना घटित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 6 मार्च को ही उनके वादी के पुत्र को बुलाकर इन लोगों ने उसकी हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया था। कारण के संबंध में इन लोगों ने बताया कि जो मृतक के चचा हैं उनसे उनका ज़मीन से संबंधित विवाद चल रहा था। जो 4 लेन पे ज़मीन थी वो मृतक और उसके पिता लेना चाह रहे थे अभियुक्त नेपाली यादव से। उसी के क्रम में, जैसा कि इन लोगों ने अभी तक बताया है कि उन लोगों ने कैश उनको पेमेंट किया था उसकी हत्या कराने के लिए और वो लगातार दबाव दे रहे थे कि अभी तक घटना घटित नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। तो उसी के क्रम में अभियुक्तों ने उन्हें बुलाया दिनांक 6 तारीख को शाम में, खाया पिया और फिर उसको रेलवे पुल के पास ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया और उसको कुएं में फेंक दिया। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।